मेरी जिहड़ी रूह मेरी आत्मा वो कुड़ियां वाली है सैक्सुअली हरास कर देंदे सी मैनूं झाड़ियां च लै जाणा उत्थे गंदा काम कर देना चाचा भी बोलते मेरे ब्रेस्ट में यहाँ पे मैं नहाता हूँ पानी फेंक साबुन लगाना एक दो बार मैंने मना कर दिया उसने मुझे डंडे से मारा ये मूर्त मेरी किसी घर में दिखती है तो मैं इसका 10 लाख लूंगी 5 लाख लूंगी 50 लाख लूंगी 1 करोड़ तक भी बोली टप चलती है जनानी जनानी करके कहते सर भी काफ़ी सारे कहते मेरे मैथ वाले टीचर थी कोई उंगली दे के चले जाता से कोई चुंडी पोर के चला जाता से गोंडू है गे है पर इदा का कुछ कुछ गंदे गंदे लफ्ज बोलते तो उतों पंजाब यूनिवर्सिटी के मुंडे से दो तीन टुटन के बाद वो अंदर आया उन्हें मैंने थप्पड़ मारे रेप किया दो बार जीरकपुर ऋषि अपार्टमेंट के फ्लैट लिता उत्थे भी मेरा सैक्सुअल हरास होया पुलिस वालों ने किया आप उम्र के बहुत बड़े होंगे ने छोटे मुंडिया पट लेंगे ने उस तो बाद ब्याह करवा लेंगे कि वाकई किन्नर ब्याह करवाना चाहिए कि नहीं असं किन्नर लोग हाँ जो असं किसी ब्याह करा लेंगे फिर आम लोगों के हाडे फर्क की रह जाऊगा जो हाडे माँ बाप सानू पूरा प्यार कर सू मुंडे की जरूरत ना पवे साढ़े तो सराने भी गिले हो जाते रात में रो रो के कोई गले ना लाने वाला हो तो हमारे में किन्नर कोई ऐसे होते हैं जिनको कोई धोखा मिल जाता है मिसयूज करके जो लड़के छोड़ जाते हैं तो फिर वो गलत राह चुप वो एक लड़के के साथ हजारों लड़कों के साथ संपर्क बनाते हैं। विजन पंजाब टीवी के नाल जुड़े हो तुसी ते आज फिर एक बार बहुत सोहनी एक कहानी लैके आए एक स्टोरी लैके आए एक हड बीती लैके आए हैं ढाई जातों के जिहड़ी एक ऐसी जात है जो ना मर्द है ना औरत है पर हर एक नूं दुआवां दिंदे नज़र आउंदे ने हर एक दी सुख मंगदे नज़र आउंदे ने पिंडां दे विच शहरां दे विच किते भी जाओ इन्हां दा एक अलग ही चर्चा ते डंका बजदा रहिंदा है। एक कुड़ी सड़क दे उत्ते जा रही है ते उहनूं कोई छेड़ दिंदा रौला पा देवे बेशक उह झूठा रौला पा देवे उहदी मदद नूं हज़ार लोक जुड़ जांदा है पर जे गल करिए इन्हां ते अत्याचार हुंदे ने जिहड़े ये रौला पाउण तां लोक कहिंदे ने इह तां होऊगा ही इदां पक्का गलती इहदी होऊगी किते जांदे ने तां लोकां दा जिहड़ा बतीरा है उह सिणा पैंदा है हर एक बंदा माड़ी अख नाल देखदा है सिर्फ की है कि इन्हां नूं परमात्मा ने एक जात ते नहीं बनाया ना मर्द ना औरत किन्नर समाज कह सकदे आ जां फिर हिजड़े बोल दिंदे ने ट्रांसवूमेन कह सकदे आ ट्रांसजेंडर कह सकदे आ बहुत सारियां भाषावां बनियां ने पर गल की है असल ते गल आ के मुकदी है कि इंसान यह भी एक इंसान ने बहुत सारे चंगे निकलते ने बहुत सारे माड़े निकलते ने पर है तो इंसान ने इन्हां दे भी एक रंग दा लहू बहिंदा है। सो अज आपां गलबात करांगे परममीत नाल जिहड़े कि अज साडे नाल मौजूद ने गलबात करांगे उहनां ते भी बड़े हादसे होए ने उहनां दे नाल बड़ी दुखदायक कहानी उहनां दी भी सति श्री अकाल जी। हैलो सति श्री अकाल स्वागत करदे विजन पंजाब थैंक यू सो मच। सब तो पहला तां जानना चाहांगे अज जिंदगी किवें चल रही है। जिंदगी च उतार चढ़ाव तो आंदे रहिंदे ने है ना पहले नालों तो थोड़ी ठीक आ पहले नालों काफ़ी ज़्यादा ठीक चलती पई है जिदा पहले बचपन दे विच मेरा जन्म होया 1992 दे विच हिमाचल दे विच पढ़ी लिखी मैं पंजाब दे विच आ पठानकोट शाहपुर कंडी जुगियाल दे विच मेरे मम्मी पापा उत्थे रहिंदे ने तो मेरा जन्म हिमाचल दा पढ़ी लिखी पंजाब दे विच आ तो कई कारणां दे कई कारण होंदे घर दे विच लड़ाइयां झगड़े सो होंदे ने तो मैं छोटी जी सी ते मेरे मम्मी पापा दा डिवोर्स हो गया मेरे पापा हिमाचल रहिंदे मम्मी अपने पेके रहिंदे सी पठानकोट दे विच कोई समा आंदा है मैं थोड़ी थोड़ी होश आती है बचपन के विच कहिंदे ने जदों बंदा थोड़ा जिहा बच्चा मचोर होंदा है 10-8-9 साल का होंदा है पता लग जाता कि है वो की चीज़ नहीं है, है ना तो मैं अपने आप में सोचती सी मैं लड़की हाँ मैं मुंडा नहीं हाँ मैं लड़की हाँ तो मैं बाई बर्थ किन्नर हाँ तो मेरे मम्मी समझाते होंगे से पुत इदा नहीं करा कर कुड़िया वागू क्यों हरकत करदा है तो मैंने बोला मैं मम्मी कुड़ी हाँ मैं अपने आप में बेशक जन्म मेरा मुंडिया वागू होया मेरी जिहड़ी रूह मेरी आत्मा वो कुड़ियां वाली है तो कोई समा आंदा है तो एक हमारे साडे उधर पिंड दे विच मेले लगदे जिहड़ा सिंझां होंदियां ने तो मेरा डैडी आया उस सिंझ दे विच फंक्शन सी सिंझां जिहड़ियां होंदियां ना पिछे चला गया ना तो मेरी मासी सी मासी कहिंदी है कि मैनूं घर दा नाम दीपू कहिंदे ने कि दीपू तेरा डैडी बुलांदा पिया जलेबियां लै लै खा लै आ के तो मैं गलती नाल चली गई उधर
जाने के बाद मेरे डैडी ने मैं चक्या बोरी के पा लिया तो मेरा डैडी मैं हिमाचल ले आया। तो रास्ते दे मेन रोड पर पहुँच के वहाँ मेरे डैडी ने मैं ट्रक के पा के मेरे डैडी मैं हिमाचल ले आए। तो उत्थे मैं अपने चाचे ताए दे कोल रहिंदी सी। मैं कहिंदी सी मैं घर जाना अपनी मम्मी कोल जाना मम्मी कोल जाना। तो मेरा डैडी कहिंदे कोई नहीं 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 अगले हफ्ते छड्डूंगा। करदे 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 4-5 साल हो गए मैंने स्कूल पा दिता। मैं दादी कोल रहिंदी सी। हरकतां उही मेरी कुड़ियां वर गईआं नेल पेंट लगाना मेहंदी लगाना लिपस्टिक लगाना और रुमाल दे विच पाउडर नूं चंगी तरह करके पाउडर लगा लेना काजल लगा लेना। तो मेरे चाचे ताए दे मुंडे सोच जांदे सी आ दूसरी गेम है। उन्होंने ना पता नहीं सी इन चीज़ों का की होंगे ने तो सैक्सुअली हरास कर देंगे सी मैनू कभी झाड़ियों के कहें पंजाबी झाड़ियों से लै जाना उत्थे गंदा काम कर देना घर की दीवार के पिछे गंदा काम कर देना अंदर कितने मेरी दादी जी मेरी दादी नर्स थी दापना वगैरह जो प्रेगनेंट लेडी होती है उनका करवाती थी डिलीवरी वगैरह वो चले जाते थे उधर पीछे मैं अकेली रहती थी। डैडी भी मेरा जॉब पर दिहाड़ी पर चले जाते थे। मेरे चाचे ताए के लड़के अंकल के लड़के फूफा के लड़के वो सब कुछ गंदा काम करते रहते थे। तो उन्होंने मेरे जो चाचा जी हैं ताऊ जी हैं और उनके बच्चे होते छोटे छोटे जो छोटे छोटे थे तो उनके बच्चों को संभालना केयर करना और उनके जो पशु होते हैं उनके गोया मींगना वगैरह उठाना मुझे पंजी मिलती थी। पंजी होते ना 10 पैसे 20 पैसे ऐसे मिलते थे। तो ऐसे करते 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 मैं और थोड़ा सा बड़ी हुई फिर सोचती थी मैं लड़की हूँ मैं बाल बढ़ाऊँगी ये करूँगी। तो तीसरी क्लास में पढ़ रही थी चौथी तीसरी क्लास में थी मेरी बहन आई मुझे स्कूल से लेके चली गई अपने पास पठानकोट में। मैं वहाँ मैं फ़्रॉक डालती थी मेरी मम्मी मेरी बहन मुझे फ़्रॉक वगैरह डलवाते थे। करते 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 मैं थोड़ा और बड़ी हुई यहाँ हमारे रामलीला फंक्शन होते हैं क्या बोलते सीता बनना है वो बनना है मुझे शौक़ था तो मैं चली जाती थी। तो वहाँ फिर मैंने बाल लंबे लंबे कर लिए काफ़ी लंबे बाल हो गए मेरे। तो जब मैं 15-16 साल की हुई तो जैसे एनजीओ होता है एनजीओ में जाती थी तो वहाँ पे ना एनजीओ में एक मुझे किन्नर मिली उसने मुझे बोला तू इतना अच्छा डांस करती है तू चल मेरे पास बधाई बुधी मांगा करेंगे। तो घर पे लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे थे मेरे तो मैं दुखी होकर चली गई अपनी मम्मी से लड़ाई करके बहनों से चली गई। तो वो किन्नर का एक हस्बैंड था हमारी लैंग्वेज में उसको लाला बोलते हैं जैसे चाचा भी बोलते हैं लाला जी भी बोलते हैं। वो मुझे तंग करता था कि मेरी पीठ में साबुन लगा मेरे ब्रेस्ट में जहाँ पे मैं नहाता हूँ पानी फेंक साबुन लगा। तो मैं बोलती थी मैंने नहीं लगाना। एक दो बार मैंने मना कर दिया उसने मुझे डंडे से मारा। फिर नीचे आ गई मैंने माई जी को बोला कि मैं इस चक्कर में थोड़ी आई छुट्टियाँ काटने आई थी। तो चल कह दी कोई बात नहीं। फिर एक दिन शाम का टाइम था शाम को 4-5 बजे मोटर लगाई उन्होंने कह रहा ऊपर जाके मुझे कह रहा डोली इधर आ जा प्यार से मुझे डोली बोलता था वो। मैं आगे कह रहा साबुन लगा दे पीठ में मैंने बोला नहीं लगाना। कुहाड़ी होती है लकड़ी काटने वाली उसने यहाँ पे रख दी मेरे कमर में धीरे धीरे करने लग पड़ा कहते करना तो कर नहीं तो काट दूँगा। मैंने धक्का दे के नीचे आ गई गुरु सिगरेट भर रहे थे गांजा वगैरह पी रहे थे वो। तो उन्होंने बोला मुझे क्या हुआ मैंने डोली मैंने बोला ऐसे ऐसे कर रहे सिगरेट पी उन्होंने पता नहीं उनमें मन में क्या आया फर्श वगैरह धो रहे थे और ऐसे मैं बैठी हुई थी मैं ऐसे पानी होता ना छपछम कर रही थी पानी में आई सीधा उसने बोतल तेजाब की गिरा दी पैर के ऊपर मैं चीखने लगी और पानी पैप लगा दी वहाँ पे धुल गया उस टाइम स्किन हल्की हल्की सैग होगी बर्न वगैरह होगी। फिर मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया छोटी बहन को कि मैं आना चाहती हूँ ये है वो है। तो कह रही चल ठीक है घर पे मम्मी को मना ले अब मैं लड़कों की तरह बन के रहूँगी आपके सारे रूल फॉलो करूँगी। तो फिर गई मैं फिर मेरे घर में एक हफ्ता ठीक रही फिर वहाँ पे लड़ाई झगड़े। तो मेरे मासा जी के लड़के हैं वो उन्होंने आया मेरे बाल काट दिए। तो मैंने बोला मैं लड़कियों की तरह कह रहा क्यों रहते हैं। तो मैंने बोला मैं लड़की हूँ तो लड़कियों की तरह रहूँगी मैं लड़का आप जितना मर्जी जो मर्जी कर लो मैं लड़कों की तरह नहीं रह सकती लड़की हूँ लड़कियों की तरह रहूँगी। उन्होंने बाल बुल काट दिए मारा कुट्टा बहुत ज़्यादा थाने कचहरी पुलिस थाना हुआ बहुत ज़्यादा। मैंने चाकू रखा था यहाँ पे चाकू लगा लिया मैंने सुसाइड करने की कोशिश कर ली। तो मेरे मासा जी का लड़का और मेरी मम्मी कुंडा लगा के लॉक लगा के चले गए। मैं एक दिन शाम तक वहीं रही मैं ना कोई पट्टी करवाई ना कुछ। हमारी एक पड़ोसन थी उसने बेचारी ने कपड़ा कॉटन का जला के कहते ना पिंडों में
कॉटन का कपड़ा जला के वो लगा देते हैं, राख लगा देते हैं, उन्होंने वो लगा के कपड़ा बांध दिया। फिर एक लड़का था, शराबी था, उसने बेचारे ने मुझे हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में पट्टी करवाई। 3 दिन तक मेरी मम्मी घर पे नहीं बाहर रही, साथ में मेरी पड़ोसन थी, उनके घर में खाना खुना खाती रही मैं, उनके घर में सोती थी, वहाँ पे भी सेक्सुअल हरासमेंट होती रही मेरे साथ। फिर उसका धीरे 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 मैंने घर छोड़ दिया। फिर मैं इधर आ गई 2011-12 में, चंडीगढ़ में रही। यहाँ पे मेरी फ्रेंड रहे, उन्होंने मुझे जॉब लगवाई क्लियोपेट्रा में, 12,000 में स्टार्टिंग मेरी जॉब लगी। वहाँ मुझे थोड़ा सा हो गया, अब मेरे पास पैसे हैं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। करते 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 फिर मैं छोड़ दी जॉब 1-2 साल की क्लियोपेट्रा में। फिर मैं फेमिना चली गई, फेमिना करते करते मैं, तो फिर उसके बाद मैं ऐसे ब्रांच में बढ़ती गई, मेरी मतलब की डिमांड बढ़ती गई। ना एक माही नाम की है, ब्यूटिशन है, वो ऐसा काम करती है, ऐसे मुझे कंपनियां अप्रोच करती रही, मैं करती गई काम। उसके बाद कोई टाइम ऐसा आता है, मेरे एक लड़के से प्यार हो जाता है यहीं पे खरड़ में, और लड़के से प्यार हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा प्यार होता है। हमारी शादी तक बात पहुँच गई है, पैसे एक दूसरे को, हमने एक ही अकाउंट में पैसे सब कुछ सैलरी देनी उसको दे देनी, अपडेट करवा के मैं लड़की बन के हम शादी करके हम दूर चले जाएंगे। उसने एट ए टाइम में मुझे धोखा दे दिया, दिल टूट गया मेरा, मैंने जॉब भी छोड़ दी। जॉब छोड़ने के बाद मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैं अपनी फ्रेंड घर गई, तो मेरी फ्रेंड भी थोड़ा इरीटेट हो गई। फिर उसके इरीटेट होने के बाद अपने घर का खुद को पता होता है ना, हम किसी के घर में बोझ क्यों बने। फिर मैं किन्नरों में चली गई, पंचकुला। फिर धनंजय दीदी से बात की, काफ़ी सारा उन्होंने सपोर्ट भी की, किन्नरों में चली गई। वहाँ मैंने 1-2 साल 3 साल कमा के दिया। वहाँ पे लड़ाई लड़ी हुई, जो मेरी दादी थी वो थोड़ा पुराने ख्याल थी, हम फ़ोन पे बातें करते थे रात को, तो वो डांटती थी हमें, अच्छा था उनका डांटना भी, बच्चों को माँ बाप तो डांटते हैं, हमें उस टाइम बुरा लगता था, हमें क्यों डांट रहे, हमारी अपनी लाइफ है, ये है। उनकी बात तो सुन के लड़ाई लड़ी झगड़ा करके वहाँ से मैं छोड़ के अपने घर चली गई। तो मम्मी पास गई, मम्मी पास भी कितने दिन रहती। फिर मैंने वहाँ पे एक इंटरव्यू दिया, पास हो गई। फिर मैंने जॉब करने लगी बटाला, गुरदासपुर में बटाला जॉब की। तो फिर यहाँ पे एक खरड़ मैम है, तो उन्होंने मुझे कह रहा तू आ जा मेरे पास, किन्नर सोना सोना चांदी चांदी में जस्ता है, तू आ जा मेरे पास, कब तक ऐसे धक्के खाएगी मेरे बच्चे। मैं आ गई, यहाँ भी 1-1.5 साल काम किया, वही है ना, मूड मत है, समझाने वाला कोई नहीं, अपनी चलानी, ये करना वो। वहाँ पे भी लड़ाई झगड़ा हुई, वहाँ पे 1 महीना हुआ, अब छोड़ दिया मैंने, ऐसे जिंदगी है जी। आप हूँ तुमने जिमें दसा थोड़े चाचे ताया के बच्चे से कज़न ब्रदर से, उन्होंने भी सैक्सुअली हरासमेंट की है बड़ी, है ना, तो कदम माँ बाप ने उदो तो चलो उन्होंने वास्ते एक मुंडे से, कदम उन्होंने रोकया टोकया नहीं उन्होंने, या फिर तुम कदम उन्होंने दसन की कोशिश की हो? हाँ, मैं बहुत बार अपनी मम्मी ने कहा, मम्मी नाल बैठती सी, मम्मी मैं इदा दी हाँ, मेरे घरदे ने तक रिश्ते तक भी लभ दते मेरे लिए, तो मेरे चाचे ताया उन्होंने रिश्ते लभ दते। तो डैडी एक्सपायर होने के बाद मम्मी नहीं गए उत्थे, मैं गई अपने डैडी का जो संस्कार किया सारा कुछ मैं किया, एक मुंडा बन के अपने डैडी का सारा कुछ मैं ही किया। तो फिर वो बाद मेरे चाचा जी कहते कि रिश्ता लभदे ने ये, फिर मैं अपने अंगवस्त्र हो के पूरे मैं अपने चाचा जी ने कहा कि मैं आ चीज़ा मैं ब्याह नहीं कर सकती, मैं खुद ही एक लड़की हाँ, लड़की की जिंदगी जीना चाहती हाँ। फिर चाचा उन्होंने बहुत मतलब कि मारा कुट्टा बहुत ज़्यादा, फिर उन्होंने बोला हम अपने पास नहीं रख सकते, हमारा नाम बदनाम होता है, वहाँ से छोड़ दिया। मेरे घर में सभी जॉब में, पुलिस में, ताया जी आर्मी में, चाचा जी दुबई में हैं, सारे थोड़े खिलाफ हो गए, हमारे घर में कोई है ही नहीं ऐसा, तुम कैसे बन सकते हो। फिर वहाँ पे भी छोड़ा, फिर उसके बाद चलती गई लाइफ। एक अज गल की जाए तो किन्नर कहें कि गद्दी वाले जोड़े होंगे ने, गद्दी समराज के जोड़े गुरु होंगे ने, वो किन्नर बेच भी देंगे ने, तो थोड़े नाल भी मैं सुना इदा कोई वाका होया की गलबात सी, सारी खुल के दस्यो। जो हमारे किन्नर कम्युनिटी के लोग होते हैं, जैसे मतलब कि हम एक गुरु के चेले हैं, है ना, 10-15 साल अपने गुरु को कमा के दिया, कोई अनबन हो जाती है, हम अपने गुरु को ज़्यादा बोल देते हैं, जब वो हमें बोलते हैं हम छोड़ देते हैं, तो वो एक ग्रुप बने होते हैं, ग्रुपों में हमारी फ़ोटो डाल देते हैं और आवाज़ लगा देते हैं हमारी कि ये मेरे घर से चोरी करके गई है, ऐसे झूठ मूठ बोल देते हैं, गुमराह करके चोरी करके गई है, इतने पैसे लेके गई है, कल को मैं इसका 1 करोड़ रुपया लूँगी, 50 लाख लूँगी, 10 लाख लूँगी, किसी के घर में मुझे ये दिख गया, ये हिजड़ा, ऐसे हमारे में लैंग्वेज बोलते हैं,
चक्का आप तो छक्का किन्नर कोई बहलते किन्नर नहीं बोलते, जे मेरी मूर्त मूर्त बोलते हैं इस लैंग्वेज को, ये मूर्त मेरी किसी घर में दिखती है भाईचारे में बरादरी में तो मैं इसका 10 लाख लूँगी, 5 लाख लूँगी, 50 लाख लूँगी, 1 करोड़ तक भी बोली टप जाती है। हैवी रेट चले जाते हैं किन्नर? जी हाँ जी चले जाते हैं। इहदा कारण की है इन्ने हैवी रेट ते जाना? जिन्हों प्यारी हुई वह दे देंगे ने, जिन्होंने अगे पसंद, जिदा हूँ कहते एक चीज़ का मोल बढ़ता जाता बहुत जी मार्केट के डिमांड होंगी है कि हाँ आह किन्नर बहुत सोहनी आई है यार इतने, वो जड़े जिन्होंने खरीदना होंगे वह तो अपने गले तो उतार देंगे ने, जिन्होंने बेचना होंगे वह तो अपनी फिर सारी उम्र जब तक उन्हें 1,50,000 पूरा नहीं होंगे तद तक उन्होंने गुलामी करो भावों कुछ भी करवा सकते हैं। जी कह दिए हूँ इदा का पूरा नहीं होने लगे किसी, जे कह दिए सीधे 2 नंबर के पैसे बगैर तो कोई कम पैसा पूरा नहीं होंगे कद भी, तो वह यह जहाँ की करवाते हैं कि उन्होंने 50 लाख करोड़ रुपया पूरा हो जाए, साल 2 साल 3 साल कद भी लग सकता? हाँ उन्होंने यह होंगे कि अपनी ब्यूटी दिन तो दिन अपनी ब्यूटी दिखा के जिदा असं बधाइया लियाते हैं कि जजमान देने वाले लख भी है देने वाले कख भी नहीं होंगे है ना, उन्होंने असं कह जिद करके लियाने 50,000 दे दो, 31,000 दे दो, 1,25,000 रुपया दे दो, जो खुशी होंगी शरदा देने वाले तो लखा भी दे देंगे। फिर उस हिसाब न जो तक वसूल नहीं होंगे फिर 19 साल तक जिदा हूँ हिस्सा मिलता है, जिदा हूँ मैं 60,000 रुपया लैके आई, 60,000 के मैं 6,000 रुपया होता पर 6,000 मिलता नहीं, वो मैं 3,000 2,000 दे 2,000 रुपया देने नहीं, वो मेरा खर्चा पानी कपड़ा रोटी का देने जो मैं रोज़ का मिलता हिस्सा वो कट कर देंगे ने, जो तक वसूल नहीं होया उन्हों का। जिमें आप गल करिए एक किन्नर जो पैदा होंगे तो उसके माँ बाप को पता लग जाता किन्नर चुकवा देंगे ने, या फिर थोनू घर ही रखा गया तो उन्होंने घरद्या की मंशा सी कि असी माही घर रख लीए या फिर एक एज ए बॉय रख लीए, उन्होंने एक्सैप्ट कर लिया? हाँ उन्होंने ये क्या कि मुंडा बन के रहे और एक कुड़ी नाल शादी कर ले, तो मैं 21 रिश्ते तोड़न ना एक रिश्ता इधर तोड़ सकती हाँ ना, 20 तो सेफ रहेंगे ना, कि मैं जो हूँ मैं हूँ ही नहीं तो मैं किसी की जिंदगी क्यों खराब कर सकती हाँ। स्कूल दे विच जो पढ़ते सी जो पढ़ती सी हाँ मुंडे करते सी, कई बार वॉशरूम दे विच जाना मैं कुंडी लगा देनी है जा मुंडे कपड़ा पा के मुँह ते थप्पड़ मारते सी, जिदा बैक दे विच कदी कुछ कढ़ लैंदे सी, कोई रोटी नहीं खांदा सी, जिदा ओलंपिक गेम होंदियां स्कूल दे विच उन्हां विच मैं कोई भाग नहीं लैन दिंदा सी, और जनानी जनानी करके कहंदे सी, सर भी काफ़ी सारे कहंदे सी, मेरे मैथ वाले टीचर थी फिजिकल एजुकेशन वाले टीचर थी बहुत कुछ कहंदे सी, जड़े मेरे हेडमास्टर से वो थोड़े सपोर्ट करते सी, तो कई सर इदा दे सी कुछ कुछ टच कर देंदे सी कि ये पकड़ या उदा पकड़ कुछ कुछ कहंदे सी, तो करना पैंदा सी, फिर इसलिए स्कूल चो नफरत हो गई, फिर मैं 8वीं फेल हो गई, मेरा मन नहीं सी स्कूल जान दा कि मुंडे इदा करते हैं, कोई उंगली दे के चले जाता सी, कोई चुंडी पोर के चला जाता सी, तो कहिंदा ये तो है कि बोंडू है गे है पर इदा दा कुछ कुछ गंदे गंदे लफ्ज़ बोलते सी, तो मेरे ना एक फ्रेंड सी सुशील नाम दी, उहदे नाल मैं मेरी सहेली सी वह भी ट्रांसजेंडर सी, एक प्रीति सी, उहनां नाल मैं अपने दुख सुख शेयर कर लैंदी सी, पर वह मुंडिया वांगू रहिंदियां सी, पर मैं शुरू से ही मेरे लुक ही नहीं मुंडिया वांगू लगती सी, मैं कित्थां रह लैंदी। फीलिंग्स होंगी है जिम्मे ला लो हूँ पदेशी ही फीलिंग थोड़ा लगता रहा कि मैं कुड़ी हाँ मैं कुड़ी हाँ, तो कदम इदा सोच के कदम रिलेशन चाहे किसी ने रिलेशन बनाया, बहुत सारे किन्नर करते भी ने? हाँ रिलेशन मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ बनाया सी, और जो मैं नई नई चंडीगढ़ के आई सी तो मेरे फ्रेंड से काफ़ी सारे असं 17 घूमन गए सी, 17 घूमन इन द सेंस मतलब कि दाल सब्जी लियान गए सी, 44 रही सी जो मैं, तो खाना है नहीं सी, अंकल टिफिन वाले है नहीं सी, तो गई मैं 17 में चल सब्जी ले आने हैं, तो मैं इधर का मैंने भेत नहीं सी कि इधर आ भी काम होंगे, तो 17 च कई किन्नर होंगे रात को बस स्टैंड आते कुछ कुछ करते हैं प्रोटेशन करते हैं, मैं जो बच्चा सी मैं उन्होंने चीज़ों का पता नहीं सी, तो उतो पंजाब यूनिवर्सिटी के मुंडे से 2-3 मतलब कि 10 मुंडे से गड्डी दे विच वो लग गए सानू, लग गए दसन पिछा करने लगे फॉलो करने लगे, 12 बजे हम घर चले गए, तो 1 बजे उन्होंने डोर खड़कदा है खोलो, अस क्या असी नहीं खोलना, कौन है मेरी फ्रेंड सी वो कहता नहीं असी नहीं खोलना, उन्हें जबरदस्ती कुंडा खोल दिता तोड़ दिता, कुंडी टुट गई, टुटन के बाद वो अंदर आया, उन्हें मैंने थप्पड़ मारे, रेप किया 2 बार, रेप करन दो बाद उन्हें हाथ पैर बन्ने रेप किया, एक छोटा मुंडा होर सी उन्हें नाल, वो कहता मैं भी करूँगा, फिर मैं तो मैंने बोला अस तो मैंने ताड़ियाँ मार दी, मैंने बोला असं मंत लोग है, कहता पेंच कुड़ी समझ के आए सी ये है वो है, सैक्स करते समय तेन पता नहीं चलिया,
उन्हें दो बारी मेरा सेक्स वगैरह रेप किया उन्हें। फिर एक मेरी फ्रेंड थी किन्नरी थी, उन्हें कहा कि असं इतों नहीं, असं नहीं रहना। उन्होंने मैं सवेरे अगले दिन, मेरी ब्लडिंग हो रही थी, सवेरे अगले दिन मैं उन्होंने गल की। जे मैं किसी को आस पड़ोस में या किसी को कह दी तो बदनामी की सी मेरी, क्योंकि मैं एक किन्नर है ना। सोचते होंगे इन्होंने खुद, अजकल लोग कहेंदे उदा दे है इन्होंने आप बुलाए होने है ना। फिर उसके बाद हमने पांच फेस कमरा शिफ्ट किया, वॉइस पीजी विच रही, उपर वॉइस पीजी, नीचे मकान मालक दे नाल रही। वीर जी सी, मैं उन्होंने सरदार सी, उन्होंने मैं कहा इदा दी गल है। उन्हें अपना भैणा बना के सानू एक साल अपने घर रखिया। उसके बाद मेरी फ्रेंड चली गई किन्नरा दे विच, फिर मैं भी धीरे धीरे जाती रही, आँदी जाती रही किन्नरा च। फिर दो मुंडे होंगे, तीन होंगे, उन्होंने लगातार सब ने रेप किया या फिर एक ने? दो लोगों ने किया। एक मुंडा सी हैरी हैरी नाम का सी, पंजाब यूनिवर्सिटी तो, उन्हें दो बार किया। एक मुंडा होर सी, उन्हें एक बार रेप किया, थप्पड़ मार मार के कुटिया। कंप्लेंट वगैरह कुछ करने की कोशिश वगैरह कुछ नहीं की। फिर मैं एक बार जीरकपुर फ्लैट लिता से असी कि असं इतों भी चले जाने, जीरकपुर फ्लैट लिता। उत्थे मेरी फ्रेंड इतने है नहीं थी, चली गई, कल्ली पै गई। मैं कल्ली कि रही मुंडिया के। फिर मेरे पुराने फ्रेंड फिर दोबारा मिल गए, उन्होंने जीरकपुर ऋषि अपार्टमेंट के फ्लैट लिता। उत्थे भी मेरा सैक्शुअल हरास होया, पुलिस वालों ने किया। मैंने पुलिस वालों ने, उन्होंने मुझे, मैं एक मेरी फ्रेंड थी अम्बाला जाना था, उसका बर्थडे था, 11 बजे उसको बस में चढ़ाने गई ऋषि गेट के बाहर ही। दो पुलिस वाले आते हैं, उन्होंने खूब सारी ड्रिंक करी है, कहते कहाँ जा रही है लड़की को लेके। मैंने बोला मैं लड़की नहीं हूँ, हम महंत लोग हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे पकड़ा, गाड़ी में डाला, नंगा किया, थप्पड़ मारा, मेरी फ़ोटो खींची, थप्पड़ डंडे बहुत मारे उन्होंने, फ़ोटो खींची अगले, हाँ पुलिस वाले ने एक लड़के को आगे पार्सल किए कि ये थे जिसने चैन छीनी थी तुम्हारी। उन्होंने बोला नहीं नहीं, आपने गलत पकड़ लिया किसी को। कई किन्नर ऐसे भी होते हैं हमारी कम्युनिटी में, कहते कमल के फूल खिलता है तो कीचड़ में खिलता है, पर कीचड़ तो नहीं होता ना वो। तो उन्होंने बोला ये लड़की नहीं है, किसी और ने है, कोई किन्नर होगा, उन्होंने मार कुट के उनकी चेन वगैरह छीन ली होगी। तो हमने मीडिया वगैरह बुलाई, जो राहुल है पंचकुला वाला, उन्होंने बेचारों ने हेल्प की मेरी, और धनंजय मैम है जो, उन्होंने भी हेल्प की, पर्चा किया, तिलक राज थे वहाँ पे SHO, फिर उनको सस्पेंड वगैरह करवाया। जे गल करिए है ना, किन्नर कम्यूनिटी के जोड़े लोग ने, एक बहुत सारे लोग ने जो ब्याह करा लेंगे ने, छोटे आप उम्र के बहुत व्डे होंगे ने, तो छोटे मुंडियां पट लेंगे ने, उस तो बाद उन्होंने ब्याह करवा लेंगे ने। मैं थोनू पूछना चाहना, थोड़े तो इन्ना कुछ बीतया, तो चलो तुम ने भी रिलेशन रहे हो किसी के नाल, कि किन्नरों ब्याह करवा सही है जो गलत है? समाज के समाज की सोचता देखो जो भी है, पर कि वाकई किन्नर ब्याह करवा चाहिए कि नहीं? दिल तो सारे फीलिंग तो सारे चो होंगी है ना, होंगी है, पर जो असी किन्नर लोग हाँ, जो असं किसी ब्याह करा लेंगे फिर आम लोगों के साडे फर्क की रह जाऊगा है ना। अच्छ तो बने लोगों की दुआएं देने वास्ते, हाँ कोई पार्टनर है जो लॉन्ग अपना पार्टनर कोई दिल में चाहता किसी नाल होना है, कोई हो सौ किन्नर ने इधर जिन्हों में होंगे है, अगले प्यार तो सारे चाहिए होंगे है ना। साढ़े तो सराने भी गिले हो जाते रात को रो रो के, कोई गले ना लाने वाला हो, जो साढ़े माँ बाप सानू पूरा प्यार, ज हमारे भाई भैन जड़े प्यार करन, तो सानू मुंडे की जरूरत ना पवे। तो हमारे में किन्नर कोई ऐसे होते हैं जिनको कोई धोखा मिल जाता है, मिसयूज करके जो लड़के छोड़ जाते हैं, तो फिर वो गलत राह चुन लेते हैं। वो एक लड़के के साथ नहीं, हज़ारों लड़कों के साथ संपर्क बनाते हैं, लाइफ ख़राब करते हैं उनकी, ऐसे होता है हमारे में कई करते हैं। पर हमारे और आम लड़के में फिर फ़र्क नहीं रह गया, ब्याह हमारे लिए शोभा नहीं है, शादी करो ये करो, फिर दवाएं कैसे देंगे हम। हाँ, जो फीमेल किन्नर होते हैं, जैसे उनको दोनों पार्ट होते हैं, मेल वाला भी होता है फीमेल वाला भी होता है, इकट्ठे ज्वाइंट होते हैं, तो उनको वॉशरूम में दिक्कत ये आती है, जो फीमेल होते हैं उनके ब्रेस्ट इंक्रीज होती है, फेस पे कोई बाल नहीं आता, बॉडी पे कोई बाल नहीं आता, वो लड़कियों की तरह होती हैं। जो मेल में आते हैं, जो फीमेल, उनका वी आर टॉकिंग जो लैंग्वेज होगी वो लड़कों वाली होगी, और जार जार करके बातें करेंगे वो, और उनका ब्रेस्ट इंक्रीज नहीं होगा। जो उनका पेनिस वगैरह होगा वो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह होगा, जो एंडागोस होते हैं वो नहीं होंगे। तो फिर उनको कई होते हैं जो करवा लेते हैं, रिमूव करवा लेते हैं, तो कई जिनको पैसों की कमी होती है, जिनको नहीं कोई पीछे सपोर्ट होती है, करवा नहीं पाते, फिर में दिक्कत आती है, वॉशरूम नहीं आता, दो दो दिन तीन तीन दिन वॉशरूम नहीं, जी आता तो लगातार आता रहता है बस। तो भी दिक्कत कोई प्रॉब्लम आती है, तो ऑपरेशन करवा लिया हूँ सक्सेसफुली?
नहीं मैं ऑपरेशन नहीं करवाया, मेरे डॉक्टर कहते हैं जिन्ना जल्दी हो जाए करवा सको करवा लो, नहीं तो तुम्हारी यूट्रस वाली थैली है वो फट जाएगी। तो मैं अभी देखूंगी, कोई अभी इंश्योरेंस ही नहीं है क्या करवाना, मैं जो नेचुरली हूँ नेचुरली रहूँगी, जे करवा जे दिक्कत ज़्यादा आती है तो करवाना भी पड़ सकता है तो करवा लूँगी। ऐसा ही दिक्कत होती है कि पता कोई जान नू खतरा हो? हाँ जान ये खतरा, कई बार ब्लडिंग हो जाती है वॉशरूम जगह, ब्लडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो जे वॉशरूम तीन तीन चार चार दिन कई बार आता नहीं है तो फिर गर्म पानी थैली लगा के लगाना पड़ता, सोना पड़ता है, फिर कई बार खारा पीना पड़ता है, मेडिसिन खाना पड़ती है, उसके निकल जाता है वॉशरूम, दिक्कतें आती हैं बहुत ज़्यादा। जावे थोड़ी कम्यूनिटी वास्ते शायद कई बार मेरी नॉलेज तो बाहर हो गल है ना, कोई इदा की कोई सरकार वालों कोई हेल्प कोई स्कीम कोई मुहिम अज तक चलाई नहीं कि कोई किन्नर के लिए कोई हेल्थ लिए कोई इशू आता है, जो कई बार हम वोटा बन गई ने आधार कार्ड बन गए कोई इदा की स्कीम अज तक आई कोई मुहिम? नहीं अब तक कोई स्कीम नहीं आई। वैसे सक्षम ग्रुप सक्षम NGO जो है वो सपोर्ट कर रहा है हमारे, जैसे रंजय मैम कर रही है सपोर्ट, पर हमारे में ये है जैसे हम ऑपरेट करवाते हैं ना प्राइवेट तो 4.5-5 लाख देते हैं, हम नहीं दे पाते, तो वो कई हमारे जैसी होती है बहुत दिक्कतें आती हैं, सुसाइड कर लेती हैं ऑपरेट ना होने के कारण, सुसाइड कर लेती हैं। तो जैसे अभी कहते हैं हमें तो अभी मिला नहीं है, वैसे तो कहते हैं कि सरकार बोल रही है कि जी एक कार्ड बने हैं, कार्ड बनेगा उसमें आपका 5 लाख का वो आयुष्मान कार्ड, कौन सा कार्ड है वो वाला आयुष्मान कार्ड, उसमें आपको ऑपरेट वगैरह फ्री होगा, कुछ नहीं कभी मेरी फ्रेंडों का बन रखा है उनका तो अब तक हुआ नहीं है। जी डेरा समाज है जो डेरे समाज के पैसा भी बहुत डिगदा है, तो गल करिए भी डेरा समाज आखिर जो किन्नरां नूं लै लैंदा है तो उन्हां तो अपने पैसे भी कढवाउंदा है, उन्हां तो कम कार भी लैंदा है, आखिर डेरा समाज के जिहड़े लोग ने जिहड़े सड़कां ते फिरदे हुंदे किन्नर ने जां गेज वगैरह लैसबियन ने उन्हां नूं अपदे विच शामिल क्यों नहीं करदे हैगे? उन्हां नूं इसलिए शामिल नहीं करदे जिद्दां हुण मैं है ना, मैं डेरे दे विच चली गई हाँ, ठीक है, डेरे दा माहौल बंदिशें एक्सेप्ट नहीं कर पाई, ठीक है, तो मैं डेरे तो जो डेरे दे जो मुख होंगे मुखिया होंगे वो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते और गंदा मानते हैं क्योंकि गद्दी पे बैठे होते हैं, तो जब वो निकाल देते हैं डेरे से तो एक तो मेन बात है आवाज़ लग जाती है ग्रुप में, कहीं हम जा नहीं सकते, कोई किसी को पैसा प्यारा होता है, आपके पास 10 रुपये होंगे, मैं आपको बोलूँगी ये मेरी 1 करोड़ की मूर्त है ना, 1 करोड़ का किन्नर है ये, तो आप नहीं दे पाओगे, तो दूसरा दरवाज़ा बंद हो गया, तीसरी जगह गई वहाँ पर भी है, चौथी जगह ही वहाँ पर, फिर हार के मजबूर होके एक ट्रांसजेंडर को प्रोस्टिट्यूशन गे लेस्बियन इनके साथ करके लिंक बना के फिर प्रोस्टिट्यूशन करती हैं ये लोग, तभी तो बाहर अंदर बाहर फिरते हैं। चंडीगढ़ में तो काफ़ी है, सतारा में है, एयरपोर्ट चौक देखो आप, काफ़ी ये वो बच्चे हैं जिनको कोई पीछे सपोर्ट नहीं है। की डेरे नूं पवित्र मानदे हो? हाँ डेरे नूं पवित्र मानदे हैं, पर उत्थों दे काफ़ी सारे किन्नर भी कहिंदे ने भी इदां दे काम करदे ने, जिवें उत्थों तुसीं भी डेरे विच रहिंदे तुहानूं मजबूर कीता गया? डेरे दे विच हर एक दा कोई ना कोई हुंदा है, जिदा कोई डेरे का मुखिया है, कई होंगे ने कि कई परदे च रखते ने तो कई सामने रखते ने, होंगे सारिया के तो अपने आप को कहें कि असी पाक पवित्र हाँ ये है वो है, पर वो कहें वो एक लिए उन्होंने वह भी सही कहते कुछ क्यों कि साढ़े तो जो बीतिया है अगे वो अगे जो बच्चे है उन्होंने ना जाए, जिदा मतलब कि हाँ असं तो चल रख ले, जिदा साढ़े च मैं कोई मुंडे नाल प्यार करती हूँ मुंडा रख लिया, अगे मैं अपना चेला कर लैनी है ना, तो मेरा मोटिवेट होगा मेरा चेला ये काम ना करे, वो मेरी सेवा करे और ये लड़कों लुड़कों के चक्कर ना पड़े, पवित्र रहे ये रहे ऐसे बोलते हैं। मेरा लास्ट सवाल है कि जिहड़े इदां दे लोग ने किन्नर मजबूर करते हैं तो उन्होंने इदा के कामों पर ला देंगे ने, तो उन्होंने तुम की कहना चाहते कि जिहड़े लोग जिहड़े मुंडिया जां कुड़ियों पता लग जाता कि असीं किन्नर आ वो अगे वास्ते किदां सिक्योर रह सकते हैं? क्या मतलब अपने आप को किवें सेफ रख सकते हैं वो लोग जिन्हों पता लग जाता है कि असी किन्नर हाँ, क्योंकि हुण उन्हां नूं डेराबाज भी खतरा है तो रोडां ते भी खतरा है, तो गल करिए आस पास भी लोग उन्हां नूं उस निगाह नाल देखते हैं, वो अपने आप को सिक्योर किदां कर सकते हैं? सिक्योर ये कि अच्छी परवरिश हो जाओ, जिस घर में ट्रांसजेंडर पैदा भी हो गया है ना, माँ बाप को ये होना चाहिए अपने बच्चे को पहले एक्सेप्ट करें, जैसे एक लड़की को प्यार लड़के को प्यार दे रहा है उस बच्चे को भी दें, और जैसे वो प्यार देंगे ना वो बच्चा कहीं जाएगा नहीं, गलत सोसाइटी में नहीं जाए, जो हमारा आस पड़ोस मोहल्ले वाला ना वो ही गलत जाने पे मजबूर कर देता है हमारे, जब माँ बाप सही है ना हमारे माँ बाप कहीं जाने नहीं देते, जब हमारे माँ बाप हमारे पीछे सपोर्ट बन के खड़े हैं तो फिर बच्चा कुछ ऐसे हरकतें नहीं कर सकता,
और अच्छी परवरिश हो, पढ़ाई लिखाई अच्छी हो, जॉब अच्छी करें। मेन तो मोटिवेट है जॉब। जैसे पुलिस स्टेशन में लेडी कांस्टेबल हैं, फीमेल है, मेल है ना, अटेंड करते। एक ट्रांसजेंडर को ट्रांसजेंडर ही अटेंड करें, उनमें भी हमारे लिए जॉब होनी चाहिए, तभी थोड़ा हमारे संसार में सुधार होगा थोड़ा सा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा। कुछ कहना चाहोगे? नहीं, बस थैंक यू। यो कहना चाहनी हाँ कि किसी नू इज्जत दो, जो हमारे लोग है, कम्युनिटी के लोग है, जो आसपास के लोग हैं, थोड़ा सा वो कर लेते हैं। जैसे हम मार्केटों में जाते हैं, है ना, कि हमारे को रिस्पेक्ट दो। हमारे को ऐसे देखता है कि कोई एलियन आ गया, हाई हिजड़ा आ गया, वो आ गया। हमारे साथ मिलजुल के रहोगे, हम प्यार के भूखे हैं, हम पैसे धन दौलत, कहते कंजरी भी बहुत पैसा कमा लेती है, वो एक प्यार की भूखी होती है। हम लोग प्यार के भूखे हैं, प्लीज़ हमारी रिस्पेक्ट करो, हम आपको रिस्पेक्ट दें, ठीक है ना। सत श्रीकाल, धन्यवाद जी, धन्यवाद। सो दोस्तों, ऐसी परनीत की कहानी, सो बहुत सारिया सॉरी सो ऐसी परमीत की कहानी, सो बहुत सारिया गल्लां उन्होंने दसिया, उन्होंने जो जो बीतिया, इतों कि सिक्ख्या देने वाले अध्यापकों ने भी उन्होंने दुर्व्यवहार किया। सो ये गल्लां मैं लगता अध्यापकों तक खास करके पाउंदियां ने, उन्होंने वास्ते एक बच्चा सिक इंसान के रूप से देखना चाहिए। एक टीचर ही सीध देता हों, तो टीचर यह जो कुछ करे तो आखिर लोगों के होर भी बहुत सारे बच्चे ने कितने जाएंगे। तो बहुत सारिया चीज़ा ने जिड़िया इस कहानी सीखने मिलती ने, देखने मिलती ने, पर इन लोगों के अंदर जज्बात ने, फीलिंग्स ने। जे सोचा जाए तो परमीत शायद अपने मापियां के पिछे लग के किसी कुड़ी नाल व्याह करवा के उस कुड़ी की जिंदगी बर्बाद कर सकते थे, पर नहीं, उन्होंने घरदिया मूहे सच दसना चाहिए। उन्होंने दसिया कि अपने चाचा जी अगे सारे वस्त्र उतार के दसता सी कि मैं एक कुड़ी हाँ, पर शायद उन्हों की जी सोच सी वो इस एक्सैप्ट नहीं कर पाई। हैगा तो यह भी एक इंसान हैगा, तो यह भी एक उस लाल लहू के निकला हुआ इंसान। इदा दी होर कहानियां भी लैके आते रहेंगे। जुड़े रहो विजन पंजाब टीवी के नाल, मैं जसप्रीत, कैमरामैन मनदीप बावा के नाल।